नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आए दिन लोगों का एक सवाल रहता है कि ऐसे दोस्तों का क्या करें जो स्वार्थी होते हैं, जो मतलबी होते हैं, जिनका कोई काम पड़ता है तो हमारे पास आते हैं, हमारे पास कॉल करते हैं, इसके बाद काम निकल गया, फिर कोई मतलब नहीं, फिर काम पड़ा, फिर जो है आते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं, काम करवा लेंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं है। और अगर हमारा काम लगा, हम अगर हमें जरूरत पड़ी उसकी है, तो हम कॉल पे कॉल करते हैं और कॉल रिसीव नहीं करता है, बाद में बोलेगा नानी मर गई थी या फिर मम्मी का तबीयत खराब था या फिर ये मतलब समस्याएं कौन करवाएगा, ये समस्या था वो समस्या था जिसकी वजह से हम कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे, हम बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी आपकी तो फिर से दोबारा कॉल करेगा, आपके पास आएगा और आपका इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके निकल जाएगा। तो ये सवाल आए दिन बहुत से लोगों का होता है कि क्या आखिर किया जाए ऐसे दोस्तों का। तो सीधा सीधा आपको बता दें, आप ऐसे दोस्तों से दूर हो जाइए, क्योंकि हकीकत है ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो एक नंबर के मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, जिनका काम पड़ेगा तो आपके पास आएंगे और काम निकल गया तो चले जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके काम उनका पड़ता रहेगा तो आपके पास आते रहेंगे। फिर अगर कोई एक काम आप नहीं कर पाए, बाय चांस आपके पास टाइम नहीं, आपने मना कर दिया कि हाँ भाई अभी हम नहीं कर पाएंगे, कुछ समस्या है, तो वो क्या करेगा वहां पे, उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देगा कि आपने मेरी मदद नहीं की और बहुत बड़े आदमी बन गए। तमाम चीजें हैं जैसे कि आप सभी लोग देखते हैं, लगभग हर किसी के लाइफ में फ्रेंड होते हैं तो ये घटनाएं घटती है। तो भाई ये बहुत से लोगों का सवाल था, तो हमने सोचा कि भाई इस टॉपिक पे बात कर लिया जाए। कुछ लोग होते हैं, देखिए जैसे कि पेन होता है ना, दो पेन होते हैं, इसमें स्याही आप दोबारा डाल सकते हैं, इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो कुछ लोग इस तरीके से काम करते हैं कि जैसे इस पेन, ये पेन है, इस तरीके से यूज करेंगे और जब इसमें से स्याही खत्म हो जाएगी तो इसको फिर क्या करेंगे, फेंक देंगे। और कुछ लोग होते हैं जो इस पेन की तरह होते हैं, कुछ भी हो जाए लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको कोई हेल्प चाहिए, आपकी मदद करेंगे और वो आपका मीन्स दोस्ती को बढ़िया से निभाएंगे, जो कि रियलिटी में होता है, जो हकीकत होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जैसे कि बस यूज किए, काम निकल गया, फेंक दिए, जब लगेगा कि आप किसी काम के नहीं है तो फिर साइड कर देंगे। अब आप सोचो ये कौन से, ये इनको दोस्त कहना ही बेकार है। तो गाइज ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी दूर हो जाइए, नहीं तो आए दिन आप में से ये समस्या आती रहेगी, आपका कभी मूड खराब है, डिस्टर्ब रहेगा, परेशान रहेंगे, कुछ न कुछ होता रहेगा। तो प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम की जड़ है ना, उस जड़ को खत्म करो ना, उस जड़ पे काम करो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है वो आपको, आप वो जड़ ही खत्म कर दो। तो ऐसे लोग होते हैं। तो फाइनली हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जो स्वार्थी मतलबी लोग हैं, काम करने मीन्स जब जरूरत पड़ती है काम पड़ता है कॉल करते हैं, इनसे दूर हो जाइए। और आप अपने लाइफ में जो कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं कि आप कोई काम करें आप अकेले नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं है जो आपकी तरह ना हो, मीन्स जो खुद हेल्प ले और खुद हेल्प दे, ऐसे लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे लोग हैं। तो आप जो है ऐसे लोगों की तलाश करिए जो आपकी मदद कर सके और जिनकी आप मदद कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके लाइफ में भी ऐसे दोस्त हैं या नहीं आप ये भी कमेंट करके बताइए। भाई हमारे लाइफ में हैं और थे भी जिनको हमने साइड कर दिया, और कुछ लोग हैं भी अभी जो कि बड़ा बुरा लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, दोस्ती यारी है। तो देखिए बातचीत से होता क्या है, अगर कोई बंदा परेशान, अगर आपने कॉल करके थोड़ा सा हाल चाल पूछ लिया और एहसास दिलाया कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो इतना ही बहुत बड़ा चीज होता है। इससे इंसान को एक हौसला मिलता है, नहीं यार बंदा हमारे साथ है, कोई भी मुसीबत पड़ेगी तो वो हमारा हेल्प करेगा। लेकिन होता क्या है, मुसीबत के टाइम लोग साथ छोड़ देते हैं, जो कि ये बहुत ही गंदी आदत है। और सच में ऐसा होता है या नहीं होता है आप कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि दोस्तों इस चैनल पर जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।